करना है ना, सब मिलके 27 तारीख को मोर्चा निकलने वाला है। इस दौरान में जो पुलिस ने इंतजाम करना चाहिए वो पूरा इंतजाम किया है, लेकिन आपकी तरफ से जो शिरकत करने वाले मोर्चा में जो लोग हैं उनको ब्रीफ करना जरूरी है। पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में सिटीजन अमेंडमेंट बिल और एनआरसी के खिलाफ मोर्चे निकल रहे, निदर्शन कर रहे और दौरान कहीं दिल्ली में, कहीं अदर स्टेट में कई हादसे हो गए, लेकिन औरंगाबाद एक ऐसा शहर है, ऐतिहासिक शहर है, बहुत मोर्चे निकाले। मराठा संगठनों ने भी मोर्चे निकाले, लेकिन कुछ या औरंगाबाद शहर में या जिले में नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम संगठन का भी बहुत मोर्चे निकले हैं। आज तक मेरे ख्याल से 5-10 साल में एक सिंगल इंसिडेंस मुस्लिम संगठन की तरफ से नहीं हुआ, इसका हम जिक्र करते हैं और ये आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा ही 27 तारीख का मोर्चा होना चाहिए, जो प्रोटेस्ट करना है, जो लीगल है, कानूनी है, वो रास्ते से करना, कोई आपको अड़ाएंगा नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा, कौन सा कानून दुनिया का आपको नहीं रोकेगा। लेकिन प्रोटेस्ट करते वक्त तो कोई स्लोगन गलत दे रहा है, कई हरकतें गलत कर रहा है, कानून के खिलाफ कर रहा है, तो आपको और हमें मिलके इसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है, तो रोकना जरूरी है। इस वास्ते ये बैठक रखी है, बैठक में तय तो होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि आने वाले 27 तारीख का भी मोर्चा बहुत सुकून से, अमन से, शांति से निकलेगा और पूरे मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठन और अदर पार्टी हमें कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। ये महाराष्ट्र का पुलिस है, अंबेडकर, शिवाजी महाराज, ये पूरे जो महापुरुष है उनका महाराष्ट्र है, या ऐसा नहीं होता पूरे पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ हादसे हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हुआ नहीं होता। अनवांटेड एलिमेंट्स इंटर नहीं होना, इसलिए रिक्वेस्ट, इस वास्ते तो तुम्हारे वॉलंटियर्स रखो हमारे साथ, उसको बोलो ये साहब उसको उठाओ, उठाएंगे ना, तुम्हारा ही काम है वॉलंटियर्स का, ये हमें मालूम नहीं देता ये आदमी कौन है, तुम बोलो ये बदमाश है साहब, उठाते हम जरूर है ना, हम हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ करता है तो आपको भी पूछेंगे ना वॉलंटियर्स को, ये कौन है, ये बदमाश है साहब, उठाओ, उठाते चुपी, कुछ भी नहीं करने वाले हम, महाराष्ट्र की पुलिस ऐसा नहीं करती और महाराष्ट्र के लोग भी ऐसे नहीं है। मैं बोलता हूं जो मोर्चा निकलने वाला है वो सब मोर्चे के दरमियान और अमन और शांति से निकालेंगे, हमें मालूम है, इस वास्ते आप सबका मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सीपी साहब, और कल के जो प्रोटेस्ट निरोधक है उसके अंदर आपके कितने लोग रहेंगे, अंदाजन आपकी कितनी, कितने जैसे एमआईएम के कुछ लोग रहेंगे, आपके कितने लोग रहेंगे? 27 आपका 27 हो रहा है, नो कोई दिक्कत नहीं, तो 27 को लगभग कितने लोग रहेंगे, फॉर एग्जांपल अंदाजा 50,000 10,000 रहेंगे, 10,000 प्लस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि 20 का हो जाने देते, ठीक है ना, और अभी की जो मीटिंग है उसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि जो आप नारे वाले देंगे, ठीक है, एक तो पहले वॉलंटियर्स रखिए ताकि आपके लोग कंट्रोल कर पाए, ठीक है ना, उसके बाद नारे कैसे होने चाहिए करके आप खुद पहले डिसाइड कर लें, उसके बाद हमें भी लगे तो दिखा दें, चाहे उसकी वजह से कोई बवाल ना हो, ठीक है ना,
और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी हम सबके हित में है कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, करेक्ट है ना, और बट वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और आपका बेसिक आप जो ले रहे तो मुझे भेज ये काम है प्रोटेस्ट करना हुआ, ठीक है। पुलिस के साथ झगड़ा करना पुलिस को पार्टी ना बनाए, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा हमारा कचरा का आंदोलन हुआ, मामला किसका पुलिस पार्टी बन गई, हमारे भी कई लोगों के सहारा टूटे, सामने वाले भी किसी के सहारा टूटे, आप समझ गए। उसके बाद एक और मसला हुआ था उसमें, मतलब मई के महीने में, फिर उसमें वैसे ही हुआ, मामला किसी और का, किसका किसका हो गया, कुछ लोग हैं गली के और पुलिस है। तो पुलिस हमेशा आपको, जहां तक आपके लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। और